के प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारी काशी दानू मैडम भी हमारे बीच। आज का जो मुख्य उद्देश्य है बैठक का, वो वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षाओं का, कक्षा 10 और कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम, इसके संबंध में चर्चा की जानी है। जैसा कि विज्ञ है, वर्ष 2021 की परीक्षाएं कोविड के चलते निरस्त कर दी गई थी। वर्तमान में 3 जुलाई 2021 के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसके माध्यम से हमें कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट करना है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के प्रश्न आपके मन में आएंगे, जिनका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी विद्यालय के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व आ गया है कि उन्हें कक्षा 10 और कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम तैयार करना है। परीक्षा परिणाम तैयार करते समय बहुत सी सावधानियां रखनी, इसलिए इसमें गंभीरता बहुत जरूरी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि परीक्षा परिणाम तैयार करते समय आपके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शासनादेश के माध्यम से, पढ़ लें, कहीं पर किसी प्रकार की कोई शंका है कोई समाधान उसका खोज लें, उसी के बाद आगे बढ़े। आज के इस सेशन में उप सचिव श्री सीपी रतूड़ी जी को भी आमंत्रित किया है, उनसे हमने समय लिया था कि आप 10-15 मिनट या आधा घंटे का समय हमें उपलब्ध करा रहे अपना, ताकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं मालूम है, छोटी मोटी चीजें हैं, तो आपके मन में भी कई प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है परीक्षा परिणाम तैयार करने से पहले। प्रधानाचार्य का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले तो जो परीक्षा फल तैयार होगा विद्यालय स्तर पर, उसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लापरवाही कर दें और किसी छात्र को उसके अंक बता दें, कोई अध्यापक ऐसा कर दे, तो इसमें बड़ी गंभीरता की आवश्यकता है। इसलिए प्रधानाचार्य को अपनी टीम तैयार करनी है, सारे अध्यापकों को विश्वास में लेना है, पर्यवेक्षक नियुक्त होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें अपनी ओर से गंभीरता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से की जानी है, उसकी भी सूची हमने भेज दी है, जल्दी से जल्दी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने अभी कई जगह संवाद स्थापित किया है लोगों से, कहीं से जानकारी भी लेनी हमने भी है, बहुत सी जगह अभी भी प्रधानाचार्य कुछ गंभीरता नहीं दिखा रहे, अभी भी वो विद्यालय नहीं पहुंचे हैं। विद्यालय न पहुंचकर अगर आप विद्यालय अपने कार्य स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, वहां बैठकर आप काम शुरू नहीं करेंगे और अध्यापकों से बातचीत नहीं करेंगे, शासनादेश का वाचन नहीं करेंगे, जो आपको प्रपत्र प्रदान किए गए उन पर उनका अध्ययन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। यह एक टाइम बाउंड कार्यक्रम है, 13 तारीख तक आपने अपना रिजल्ट तैयार करके देना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग आपस में बैठ जाए और बैठकर चर्चा परिचर्चा जरूर करें। आज की इस मीटिंग में हमारा पूरा ध्यान इस ओर रहेगा कि आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा फल तैयार किस तरीके से किया जाना है उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, लेकिन पढ़ने के बाद कई चीजें ऐसा हो सकती है कि आपके मन में हो कि हाँ ऐसा है तो इसका क्या उत्तर हो सकता है, उसके लिए भी हमने आज ये मीटिंग रखी है, उसको भी इस प्रकार का एक सेशन जारी करेंगे। इसमें जो कार्यक्रम दिया गया है, जो कार्यक्रम है 13 जुलाई तक आपने अपना रिजल्ट तैयार करना है और परीक्षा मूल्यांकन केंद्र में 17 जुलाई तक उसको जमा करना है, ठीक है ना। कुछ संकलन केंद्र 18 तारीख तक, संकलन केंद्र 20 जुलाई तक वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमने जो बच्चे छूट गए थे प्रैक्टिकल से, उनके लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं, तो प्रधानाचार्य संबंधित अपने अध्यापकों से तत्काल जो बच्चे संपर्क करा दें, उनका भी परीक्षा परिणाम तैयार करने में उसकी भी हिस्सेदारी होनी है, तो उसको 8 तारीख तक का हमने समय दिया था आपको, वो 8 तारीख तक आप उसको फोन करा दें। अब हमारे बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं हमारे बीच में परिषद श्री सीपी रतूड़ी जी उपलब्ध हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम को तैयार करने में क्या क्या सावधानियां बरती जा रही है, किस प्रकार से परिषदीय परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाना है, वो अपने सुझाव देने का कष्ट करेंगे। श्री सीपी रतूड़ी जी, हेलो, हाँ धन्यवाद शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी आ रही है। हाँ धन्यवाद शर्मा जी, आदरणीय शिक्षा अधिकारी सैसपुर शर्मा जी, खंड शिक्षा अधिकारी कालसी मैम नेगी जी, और अभी हमारे सभी सम्मानित संस्था अध्यक्ष, आप सबका स्वागत। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस साल जो है परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, परीक्षा आयोजित हुई है, परीक्षा फल तैयार करना एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि 31 जुलाई तक, आप सब लोगों को विदित होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल गाइडलाइन जारी की है, 31 जुलाई तक परीक्षा फल घोषित हो जाना है। 31 जुलाई तक तभी परीक्षा फल घोषित होगा जब हर स्तर पर जो तारीख निर्धारित की गई है उस तारीख तक काम संपादित हो जाए, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम होना वो विद्यालय स्तर पर ही होना है, तो विद्यालय स्तर पर काफी गंभीरता से काम किए जाने की जरूरत है। हम लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है हमारी, या हमने खंड शिक्षा अधिकारियों को बाय मेल या कुछ को जिन लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह नंबर थे उनको व्हाट्सएप के माध्यम से कई चीजें भेजी है, उनमें मुख्य रूप से एक तो शासनादेश है, अगर आपने पढ़ा होगा 445 3 जुलाई का,
एक बोर्ड का लेटर है 4 जुलाई का 3230-6494, अगर आपने देखा हो, अगर आपने देखा नहीं पढ़ा नहीं तो पहले इनको पढ़ लीजिए आप। उसके साथ ही कुछ प्रपत्र भी हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर आप इन सब चीजों को अगर एक बार ले लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको मदद की जरूरत है तो बोर्ड भी आपके साथ हर समय तैयार है। हमने उसमें काफी सारे लोगों के नंबर भी दे रखे हैं। अगर आप हमारे उस प्रपत्र को देखेंगे तो उसमें 11 लोगों के नंबर भी दे रखे हैं। और आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जब भी आपको कोई परेशानी आती है, आप किसी बाएं दाएं पूछने के बजाय जो है सीधे वो नंबरों पर संपर्क कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, जैसे आपसे मैं सीधे पॉइंट टू पर बात करता हूँ, बाकी ज्यादा पे मैं नहीं जाता, बाकी प्रक्रिया आप लोगों को पता है, उसको आप पढ़ लेंगे। इसमें जनरल जो 10 का परीक्षाफल तैयार होना है वो कक्षा 9 और 10 की परीक्षा के आधार पर तैयार होना है। जब हम कक्षा 9 की परीक्षा की बात करें तो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के आधार पर तैयार होना है। और कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा से हमारा आशय यह है 100 नंबर की परीक्षा, अर्थात सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक को मिला के 100 नंबर की जो परीक्षा होती है, कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा आपने इन बच्चों की संपादित की होगी, उस परीक्षा में प्राप्त अंकों का जो है आगणन जो है वो जो हमने 75% निर्धारित कर रखा है, तो उस 75% के क्रम में आपको करना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जैसे भाषा विषय है और कहीं पे पेंटिंग है या ये कॉमर्स वाला विषय जो है, हमारा यहाँ पे जो है 100 नंबर की लिखित परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें से अब जब हम वेटेज की बात करेंगे तो 100 का 75% मतलब 75 नंबर जो होंगे वो 9 के लिए होंगे, और 100 का 25% मतलब 25 नंबर जो होंगे 10 के लिए होंगे। ऐसे ही जो हमारे विषय है जिनमें गणित है, गृह विज्ञान है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और गृह विज्ञान है, इनमें जो हमारी परीक्षा होती है वो 80 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, 20 नंबर का प्रयोगात्मक या आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे हमने 80 नंबर की परीक्षा, 20 नंबर की परीक्षा हम ले चुके हैं आपके माध्यम से, मार्च अप्रैल में आपने ये परीक्षा आयोजित कर ली है, तो वो 20 नंबर घटा के शेष बचे 80 नंबर। तो 80 का हम 75% हमने 9 से लेना है, तो 80 का 75% हुआ 60 नंबर, और 80 का 25% हमने 10 को वेटेज देना है, तो इट मींस 20 नंबर 10 के लिए निर्धारित है। तो 60 और 20 नंबर, और 100 नंबर वाले में 75 और 25 नंबर। कई जगह जो है, अगर आपके यहाँ जो है एग्रीकल्चर चलता है तो एग्रीकल्चर में जो है 60 नंबर की परीक्षा हम लिखित कराते हैं, तो 45 नंबर 9 के लिए, 15 नंबर 10 के लिए। अगर देहरादून में कई जगह मल्टी स्किलिंग भी चल रहा है तो वहाँ पर मल्टी स्किलिंग 30 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, तो इसमें 22 नंबर जो है वो 9 के लिए होंगे और 8 नंबर जो है 10 के लिए होंगे। ऐसे ही म्यूजिक चलता है या टाइपराइटिंग जो है वो भी एक विषय हमारे यहाँ चलता है, उसमें 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 25 नंबर की सैद्धांतिक परीक्षा होती है। तो 25 नंबर का 75% अर्थात 19 नंबर जो है 9 की परीक्षा को देंगे आप, और 25 का 25% 6 नंबर आप 10 की परीक्षा को देंगे। ये तो सीधे सीधे ये हो रहा, इसका जो गुणांक रहा वो ये हुआ। अब बात आती है इसमें कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो हमने आपको प्रपत्र दे रखे हैं। अगर आप, मैं इस समय 10वीं की परीक्षा की बात कर रहा हूँ, आप जो है कंफ्यूज ना हो, अभी 12 को इसके साथ मत मिलाइए। तो 10वीं की परीक्षा के लिए हमने आपको सबसे पहला जो प्रपत्र दिया है उसमें लिखा है हमने केवल 100 अंक की लिखित परीक्षा के विषय, तो जिसमें आपने आवरण करना है, तो 100 अंकों की जो मैंने आपको परीक्षा बताई है, मैंने बताई हिंदी है, ये भी जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाए थे जो सारे विषय जिनमें 100 नंबर की हम परीक्षा बोर्ड कराता था, उन सब विषयों में आपने किस तरह मार्किंग करनी है। तो उसमें ये होगा कि इसमें जो 100 नंबर की परीक्षा वाले प्रपत्र है जिनमें कक्षा 9 की परीक्षा को, तो उसके कक्षा 9 में फर्ज कीजिए कि उसके हिंदी विषय में जो है, उस बच्चे के कक्षा 9 में हिंदी विषय में उसके 70 नंबर हैं, तो 70/100 × 75 सीधे सीधे जो है 52.5, इसका मतलब उसके 53 नंबर उसको 9 से मिल जाएंगे। समझ रहे ना आप इस बात को, 70 नंबर उसके प्राप्त अंक है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, 75 अंक का अधिभार है, तो गुणा किया 75 तो बराबर 52.50। और इसमें हमने कह रखा है कि जो भी 0.1 या 0.1 से जो भी ज्यादा है उसको निकटतम जो अगला पूर्णांक हो उसमें आप ले लेंगे, तो 53 नंबर इसके हो जाएंगे। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में किसी बच्चे के कक्षा 9 में 90 नंबर है 100 में से, तो सीधे 90/100 × 75 = 67.5 अर्थात 68 नंबर उसके हो जाएंगे। गणित की परीक्षा में अगर किसी बच्चे के 100 में से 88 नंबर है, तो इसका होगा 88/100 × 60, क्योंकि 80 नंबर की हमारे हाईस्कूल के लिखित परीक्षा होती है, 80 का अगर आप 75% करेंगे तो उसका मतलब होगा 60, तो सीधे 88/100 × 60, यानी कि उसके कितने प्राप्त अंक है बटे पूर्णांक 100/60, या 80 में 88 जो मैं दे रहा हूँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको नहीं लिखेंगे आप, सीधे सीधे प्राप्त अंक / 100 × 60, ये सबके लिए इन्वर्सल होगा। हमारा अगर फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें भी जो है हमने ये बात लिखी हुई है। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान में माना कि उसके 85 नंबर है, तो उसके प्राप्त अंक 85 हो गए, डिवाइडेड बाय पूर्णांक 100 हो गए, और मल्टीपल 60 नंबर का उसको वेटेज हमने देना है, तो सीधे 51/51 होंगे। छठे विषय के रूप में अगर भाई उसका संस्कृत है, संस्कृत में उसके 75 नंबर है, तो 75 उसके प्राप्त अंक हो गए, डिवाइडेड बाय पूर्णांक 100/75, क्योंकि 100 नंबर की परीक्षा होती है, इसलिए अधिभार 75 नंबर का है, तो 56.25 अर्थात 57 नंबर इस बच्चे को मिल जाएंगे। अब बात आती है 10वीं की परीक्षा, ये 9th क्लियर हो गया आप लोग कि 100 नंबर में से आपको लेना है। कई जगह ये क्वारी हो रही है कि वो गणित में, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर में से कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो वो 80 नंबर में से नहीं करना था, 100 नंबर में से करना है। 100 नंबर की आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, इसका मतलब प्रयोगात्मक और दोनों को मिला के 100 नंबर, ये क्लियर है? अगर किसी से कोई दिक्कत है वो अभी पूछेगा मेरे से, बात कर लेगा। सर कंप्यूटर में 40-60 होता है सर,
कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ जी 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 आईटी में जो है 4060 होता है जी जी। इसमें हमने आपको जो आईटी में जो है 30 नंबर का वेटेज 9 को मिलेगा और 10 नंबर का वेटेज जो है वो उसको मिलेगा 10th को, ठीक है सर। आईटी 40 नंबर का, 60 नंबर का उसका प्रैक्टिकल होगा, 40 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, तो 40 का 75% 30 हुआ, 40 का 25% 10 हुआ, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब सीधे 100 नंबर में से आपने बच्चे के अंक उठाने हैं और यहाँ पे जो भी पूर्णांक जो से प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक डिवाइडेड बाई 100 मल्टीपल, अगर हिंदी का विषय है वो हिंदी है तो हिंदी में जो है सीधे सीधे 75 गुणा 75, अगर वो जो है अंग्रेजी है तो गुणा गया 75, अगर गणित है तो गुणा गया 60, विज्ञान है तो गुणा गया 60, सामाजिक विज्ञान है तो गुणा गया 60, संस्कृत है तो गुणा गया 75, और जो ऐसे आप आईटी की बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो गुणा गया 30, सीधे सीधे ये हो जाएगा। और जो भी नंबर आएंगे उसको आपको राउंड ऑफ कर देना है सीधे। राउंड ऑफ के बारे में भी एक बात ये आ रही है कि राउंड ऑफ 0.5 जो है 9th में था, राउंड ऑफ 0.5 10th में था, तो क्या किया था, केवल एक नंबर आएगा ऐसे नहीं, इसमें एक नंबर, इसमें दो नंबर आएंगे बच्चे को। माइंड का जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो सीधे राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब अगर किसी का 50.5 अच्छा है तो उसे सीधे 51 हो जाएगा। 10th में भी उसी विषय में जो है 10.5 है वो सीधे 11 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ आपको हर कक्षा में करना है इसको, क्लियर सर। उससे बाद में बताया कि 10 के का आप वेटेज कैसे देंगे, तो 10 में जैसे तीन तरह के ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, कुछ स्कूलों के पास चौथा ऑप्शन हो सकता है, जनरली हम बात कर रहे हैं तीन ऑप्शन पे। आपने मासिक परीक्षा कराई हो सकती है उस विषय में, अर्धवार्षिक परीक्षा हो सकती है, प्री बोर्ड हो सकता है। इसमें से आपको बच्चे का बेस्ट लेना है जिसमें बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर आपने तीन मासिक परीक्षा कराई है तो तीन में जो बेस्ट मासिक परीक्षा है उसको आपने लेना है। अगर प्री बोर्ड से बढ़िया है, अर्धवार्षिक से बढ़िया, तो तीनों में फिर मासिक परीक्षा में जो बेस्ट है उस मासिक परीक्षा को आपको लेना है। तो फर्ज कीजिए कि किसी बच्चे के हिंदी की आपने परीक्षा देखी, हिंदी की मासिक परीक्षा में उसके 10 में से 7 नंबर थे, अर्धवार्षिक में 100 में से 60 थे और प्री बोर्ड में 100 में से 80 थे, इसका मतलब प्री बोर्ड में उसके सबसे बढ़िया प्रदर्शन है, तो यहाँ पे हम उसके हिंदी के अंक ले लेंगे। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अब हिंदी में उसके प्री बोर्ड में 80 नंबर हो गए, तो 80 आउट ऑफ 100, तो मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीपल 25 नंबर 25% है, तो सीधे 25 नंबर, तो सीधे बच्चे को 20 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजी है, अंग्रेजी का भी आप देखेंगे कि इस परीक्षा में उसका जो है बेस्ट रहा है, मासिक में बेस्ट है, अर्धवार्षिक में बेस्ट है या प्री बोर्ड में बेस्ट है। माना कि उसके प्री बोर्ड में 90 नंबर है, तो सीधे सीधे प्राप्तांक बटे पूर्णांक 100, मतलब 90 बटे 100 मल्टीपल 75 जो भी आएगा, जैसे इस मामले में 22.5 आएगा तो 23 नंबर उसके हो गए। अब गणित है, जैसे अब गणित में माना कि मासिक परीक्षा में उसके 10 में से 9 नंबर है, अर्धवार्षिक में 100 में से 75 है और वार्षिक प्री बोर्ड जिसको हम कहते हैं उसमें से 100 में से 80 है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि गणित की जो मासिक परीक्षा है उसमें उसके 10 नंबर है, 10 में से 9 मतलब 90% हो गए, बाकी अगर आप अर्धवार्षिक में तो 75% है और प्री बोर्ड में 80% है, तो ऐसी स्थिति में आप गणित का उसका मासिक परीक्षा दे सकते हैं। अब आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वही प्राप्तांक, प्राप्तांक है 9 बटे पूर्णांक है 10, तो 9 बटे 10 और गणित का वेटेज है 20 नंबर का, 25% 80 का हुआ 20, तो 20 नंबर आप इसको, तो 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीपल 20, तो बराबर 18, तो इस बच्चे के 18 नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही माना सामाजिक विज्ञान है, अब सामाजिक विज्ञान में इस बच्चे के जो है 10 नंबर अर्धवार्षिक में आ गए, फर्ज कीजिए कि 80 नंबर है उसके अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में 70 है और जो मासिक परीक्षा उसमें 6 नंबर है, तो हम इसका प्री बोर्ड ले सकते हैं, तो सीधे 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 20 करके जो भी आ रहा है वो उसके अंक हो जाएंगे। तो जिन्होंने ये परीक्षा आयोजित कराए वो जहां भी बच्चे का अभ्यास है, बहुत अच्छा बच्चे का प्रदर्शन है, उस परीक्षा से बच्चे को हम आराम से दे सकते हैं। बाय द वे कहीं परीक्षा आयोजित नहीं हुई है तो अगर आप जियो को पढ़ेंगे तो जियो के प्रस्तर जो जियो का पेज 3 है उसमें साफ साफ लिखा है कि 25% अधिभार कक्षा 10 को प्रदान किया जाएगा, इसे तो विद्यालय स्तर पर गठित समिति इस अधिभार के निर्धारण हेतु निम्न मापदंडों में से किसी एक मापदंड को आधार बनाया जा सकता है। इस वर्ष की कक्षा 10 की आयोजित परीक्षा मासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड तो जिसकी मैंने चर्चा की है, अथवा इस वर्ष की कक्षा 10 में कक्षा शिक्षण के दौरान संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा किए गए आकलन मूल्यांकन कक्षा गृह कार्य प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑनलाइन ऑफलाइन आकलन और मूल्यांकन को आधार बनाया जा सकता है। तो आपके पास में ऑप्शन है, बाय चांस कोई बच्चा किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो जो सब्जेक्ट टीचर है उसने जो ऑनलाइन शिक्षण हुआ हमारा है उस दौरान बच्चे का प्रदर्शन क्या रहा उस बेस पे भी हो, तब वो जो है 25 में से मार्किंग कर लेगा या जहां पे 20 नंबर है जैसे गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो आप 20 में से वो मार्किंग सीधे कर लेगा। ठीक है सर, क्लियर है आप लोग, कोई दिक्कत अगर किसी को इसमें तो क्लियर है सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अब इसके बाद में जी जी एक्सक्यूज मी सर, जो ऑनलाइन सपोज मासिक परीक्षा ली गई है उसका रिकॉर्डिंग विद्यालय में होना चाहिए। मैडम ऐसा है कि जो टीचर डायरी होती है, अगर कोई भी परीक्षा आप लेते हैं जैसे मासिक परीक्षा की कॉपी तो बच्चे के पास होती है जी जी जी, और लेकिन टीचर डायरी में उसके अंक होते हैं तो वो एक रिकॉर्ड है, तो कोई रिकॉर्ड तो होगा ना, टीचर ने बना रखा तो वो रिकॉर्ड उससे कर सकते हैं आप, वो तो है डायरी तो होगी लेकिन बस बस तो वो रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड का मतलब हमसे किसी बच्चे के पिछले साल के बोर्ड परीक्षा के अंक मांगेंगे तो 6 महीने बाद हम डी आउट कर देते हैं, उसकी कॉपी थोड़ी दिखाएंगे माँ बाप को,
यहाँ पे भी बोर्ड में भी होता है, सर अगर परेशान थी तो सर मैंने वहाँ भीड़ा होगा जाकर। सर एक क्वेश्चन जी सर, ऐसी भी इसमें स्थिति आएगी जैसे कोई बच्चा 9th में है, उसने अर्धवार्षिक परीक्षा दी है लेकिन एनुअल परीक्षा नहीं दी है, उस स्थिति में सर ऐसा इसमें शासन ने साफ लिखा है कि जिनको आपने कक्षों में अर्धवार्षिक परीक्षा दी है उनको फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर आप प्रमोट करेंगे, मतलब जो नंबर देंगे वो अर्धवार्षिक परीक्षा, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा के आपकी 100 नंबर की होती है तो फॉर्मूला वही रहेगा जी। दूसरी बात, एक बात और भी आप ध्यान रख दीजिए, कई जगह से क्वेरी आ रही है कि कोई बच्चा अगर 10 में पिछले साल फेल हो गया, इस साल दोबारा है तो उसके क्या होगा, तो उसके भी 9 के अंक आएंगे जब भी उसने 9 पास किया है। क्लियर सर, थैंक यू सर। एक प्रॉब्लम जी बताइए। हमारे स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट में टीचर्स हैं सर, और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट होते हैं और मार्च में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है सर, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड है वो स्कूल में है सर, हमारा प्री बोर्ड हुआ है और टेस्ट भी हुआ है, और अब वो वेटेड बोर्ड तीन टीचर्स हैं सर और चौथी मैम, तो हमें जैसे सब्जेक्ट टीचर्स ने बनानी है तो उसका क्या होगा सर? मैम ऐसा है कि देखिए आप, दो तीन परिस्थितियाँ होती हैं कि आपके पास में वर्तमान में कौन उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, अगर आपके पास वो टीचर नहीं है, बाय द वे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे उप सचिव हूँ, मेरे डेथ हो जाती है तो मेरे पास में जो सचिव आएगा वो उस काम को देखेगा, तो जो आज उस काम को देख रहा है वो टीचर आप अपॉइंट कीजिए। टीचर भी नहीं है मेरे पास, तीन ही टीचर्स हैं पूरे, तो ये तो आप अपने मैनेजमेंट को पूछिए, अपने सीओ साहब को, बीओ साहब को, ये इसमें तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हम तो केवल आपको कह रहे हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी से आपको करना है, मैम इसका कोई समाधान हमारे स्तर से नहीं है, बोर्ड स्तर से, आपको अगर इससे संबंधित कोई बात है तो आप बात कर सकते हैं। सर आगे बढ़ूं मैं? नहीं एक मिनट सर जी सर, जी सर सर, ये 25% का रिजल्ट हुआ, हाँ ये 10th का जो रिजल्ट, वो 10th का जो वो है आदिवार है ना, देखो जी 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 ये क्लियर नहीं हुआ सब्जेक्ट वाइज ना, नहीं बता तो नहीं आपको, देखिए आप हिंदी में तो आप 25 नंबर होंगे, जितनी भी भाषाएं सब में 25 नंबर होंगे, गणित में 20 नंबर, होम साइंस में 20 नंबर, साइंस में 20 नंबर, सोशल साइंस में 20 नंबर, 80 का 25% बराबर 20, सिंपल सा गणित, अगर आप प्रपत्र देखेंगे तो प्रपत्र में फॉर्मूला भी हमने यही दे रखा है सर जी। 9th का तो ठीक है ना सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के उसका हमने 75% लेना है जी जी जी, 9th का जी जी, 10th का प्रत्येक भाषा में आपने कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपने त्रिबोर्ड ले रखा है 100 नंबर का तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जितने नंबर की आपकी त्रिबोर्ड परीक्षा है, मासिक परीक्षा अगर आपने ले रखी तो जितने, कई लोगों ने 10 नंबर की मासिक परीक्षा लेते हैं, कई लोग 20 नंबर की लेते हैं, तो पूर्ण प्राप्तांक बटे पूर्ण मल्टीपल 20 एवं मल्टीपल 25, सीधे सीधे ये आप इसीलिए जो प्रपत्र भी देख रहे होंगे उसमें हमने ये नहीं बोला है, उसमें मासिक परीक्षा के हमने केवल ये लिखा है, अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें लिखा है विषय में प्राप्तांक डिवाइडेड बाय पूर्णांक मल्टीपल 25 या मल्टीपल 20, तो वो आपकी अलग अलग परीक्षा हो सकती है, किसी की मासिक परीक्षा 20 नंबर की भी हो सकती है, किसी की 10 की भी हो सकती है, किसी ने प्री बोर्ड 100 नंबर का कराया तो 100 नंबर में से करेगा, किसी ने प्री बोर्ड जो है तो अर्धवार्षिक 50 नंबर में करके तो 50 में कीजिए, आप जितने नंबर की आपने परीक्षा आयोजित की है उसमें हमें कुछ नहीं करना जी सर। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर, क्लियर है ना आप सब लोग? अच्छा इसमें जो जिन विषय में आंतरिक मूल्यांकन होता था ये आप लोगों ने करा चुके होंगे, अगर बाय द वे कहीं नहीं हुआ है तो वो आप इस अवधि में आंतरिक मूल्यांकन कर लेंगे, जैसे गणित में होता है, विज्ञान में प्रयोगात्मक होता है, गृह विज्ञान में प्रयोगात्मक होता है, आईटी में है या सामाजिक विज्ञान में जो आंतरिक मूल्यांकन है 20 नंबर का, या वहां पे जो 60 नंबर जो भी है, जहां पे जितने नंबर का होता है वो आप करा चुके हैं हमारे हिसाब से, तो मार्च अप्रैल में उसको हो जाना था, बाय द वे कहीं पे नहीं हुआ है तो शासन देश में ये भी व्यवस्था है कि उसको आप इस अवधि में करा लेंगे, और इसकी सूचना आप जो पिछले सालों की तरह ही भेजेंगे, जैसे OMR आपके पास में आएंगे उन OMR पे, इसका जो इस परीक्षा से कोई संबंध नहीं है वैसे, लेकिन केवल एक जनरल जानकारी के लिए मैं आपको दे रहा हूं। कुछ स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जो प्राइवेट परीक्षा के बच्चों के फॉर्म भी जिन्होंने फॉरवर्ड किए होंगे, तो प्राइवेट परीक्षा के मामले में 9 के अंक तो सेम ऐसे ही प्रोसेस से आएंगे, 10 के अंकों में 25 नंबर या 20 नंबर की उसकी मौखिक परीक्षा आयोजित करके उस बच्चे को आप अंक प्रदान कर देंगे, जहां से ये बच्चे पंजीकृत हुए हैं, तो उस विषय का जो भी टीचर है, अगर हिंदी का टीचर है तो 25 नंबर की एक परीक्षा ले लेगा, टेलीफोनिक भी ले सकता है, जैसे वो उचित समझे वो लेकर के उसका रिकॉर्ड अपने पास में रख देगा, टेलीफोनिक लिया तो ऑडियो रिकॉर्ड जो रूल भी है, और दूसरा कोई माध्यम है तो वो, और अगर गणित का टीचर है तो गणित में 20 नंबर की होगी, विज्ञान में 20 नंबर की होगी, तो सेम जो है प्राइवेट के मामले में, क्योंकि हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना उसकी मासिक परीक्षा होगी, ना अर्धवार्षिक होगी, ना प्री बोर्ड होगा, तो उसका जो है उसके लिए परीक्षा आयोजित होनी है। क्लियर सर? अब आगे चलते हैं सर इसमें कि इसमें जो है ये सब लोगों को, आप लोगों को पता या चर्चा भी हो जाएगी कि यहाँ पे जो है आपकी एक समिति गठित की गई है, जिसके पदेन अध्यक्ष होंगे, प्रिंसिपल साहब होंगे उस स्कूल के, और इसके जितने सारे सब्जेक्ट वहाँ पे चलते हैं कक्षा 10 में वो सब्जेक्ट टीचर इसके मेंबर हो जाएंगे, एक पर्यवेक्षक के रूप में एक आदमी को मुख्य शिक्षा अधिकारी नामित करेंगे, वो किसी दूसरे स्कूल का होगा, आपके स्कूल से अलग स्कूल का, और एक वहाँ पे जो आपका परीक्षा प्रभारी होता है वो इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा, तो ये समिति जो है आपके स्कूल में बन जाएगी और ये समिति जो है इस सब काम को करेगी। हमने जो मैं प्रपत्रों की बात कर रहा था, तो सबसे पहले हमने आपको एक दे रखा है प्रपत्र 1, प्राप्तांक विवरण प्रपत्र है, ये हमने 6 प्रकार के प्रपत्र आप लोगों को उपलब्ध करा रखे हैं, अगर किसी को नहीं मिले हैं तो हमारी जो बोर्ड की वेबसाइट है www.ubse.uk.gov.in,
उसके अगर आप जाएंगे तो बाएं कॉर्नर में, बाएं या दाएं कॉर्नर में, सॉरी दाएं कॉर्नर में बोर्ड एग्जाम का कॉर्नर बना होगा, बोर्ड एग्जाम लिखा होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये सारे फॉर्मेट है वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें हमने 6 प्रकार के फॉर्मेट दिए हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी मैं चर्चा कर रहा था कि कुछ भी से ऐसे हैं जहां 10वीं की 100 नंबर की परीक्षा करते हैं, किसी में 80 की करते हैं, किसी में 60 की करते हैं, किसी में 40 की करते हैं, किसी में 30 की करते हैं, किसी में 25 की करते हैं। तो आपके यहाँ जिन जिन विषयों में जितने जितने नंबर की परीक्षा होती है, ज्यादातर स्कूल हमारे 100 और 80 वाले ही होते हैं, तो वो दो प्रपत्रों में, जहां 100 की परीक्षा होती है जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो 100 नंबर वाला प्रपत्र प्रयोग करेंगे, और जैसे गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, इसमें जो है गृह विज्ञान में जो 80 नंबर वाला है वो प्रपत्र का उपयोग आप करेंगे, और इसके आधार पर आप जो है रजिस्टर तैयार करेंगे, और ये रजिस्टर आपके स्कूल में अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रहेगा। जब ये रजिस्टर बन जाएगा तो उसके बाद में एक प्रपत्र दो हमने उसमें दे रखा है, प्राप्त अंक सूची है वो, उसमें बच्चे का रोल नंबर है, उसके आगे कितने प्राप्त अंक है अंकों में शब्दों में लिखा है। तो ये प्रपत्र आप जो है दो प्रतियों में तैयार करेंगे, एक प्रति आपके स्कूल में रहेगी और एक प्रति जो है आप उस स्कूल में भेजेंगे जो आपके स्कूल का परीक्षा केंद्र था निर्धारित। वो स्वकेंद्र भी हो सकता है, आपका स्कूल भी स्वयं भी हो सकता है, और आपके अगल बगल का भी स्कूल होता है, तो जो भी स्थिति है तो उस परीक्षा केंद्र में आप भेजेंगे। उसके बाद में उसमें एक प्रपत्र तीन उन परीक्षार्थियों के बारे में है जिनका रिजल्ट घोषित नहीं होना है, चाहे उनका नाम कट गया हो, चाहे किसी की डेथ हो गई, किसी भी कारण से अगर किसी कोई बच्चा ऐसा है आपके स्कूल में कक्षा 10 में जिसका रिजल्ट घोषित नहीं होना है, तो उसकी सूचना प्रपत्र तीन में देंगे। उसके बाद क्या हुआ, 6 ऐसे ये प्रपत्र भी दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, और एक प्रति वही मूल्यांकन केंद्र में आप भेजेंगे, परीक्षा केंद्र मूल्यांकन केंद्र में, और दूसरी प्रति आप अपने स्कूल में सुरक्षित रखेंगे। इसमें उन टीचरों का विवरण होगा जो ये प्रक्रिया अपना रहे होंगे, और प्लस जो परीक्षा प्रभारी हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उन सबका विवरण इस प्रपत्र के मुआ 6 में होगा। उसके अलावा परीक्षा है तो पंजीकृत छात्रों की नामावली हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तो बोर्ड से केवल आपको ये नामावली हम भेज रहे हैं, एक दो दिन में ये आपको उपलब्ध हो जाएगी, बाकी सारे प्रपत्र हमारे वेबसाइट पर अपलोड है, उनको आप डाउनलोड करके लास्ट कहाँ पे था मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। हेलो केवो 6 के बारे में ठीक सर, प्रपत्र दो प्राप्तांक सूची है, ये प्रपत्र दो प्राप्तांक सूची आपको प्रपत्र एक जो आप पंजीका बनाएंगे कैलकुलेशन करके, तो जितने भी नंबर आएंगे 9-10 को मिला के, माना 9 में किसी में 60 आते हैं, 10 में 20 आ गए तो 80, तो उसमें रोल नंबर आएगा, उसके आगे प्राप्तांक अंकों में शब्दों में 80, सीधे उन दोनों का योग आ जाएगा। और ये जो है आपको दो कॉपियों में तैयार करना है, एक कॉपी आप जो है परीक्षा केंद्र में भेजेंगे, जो मूल्यांकन केंद्र परीक्षा केंद्र जहां पे आपके स्कूल का परीक्षा केंद्र था उसको मूल्यांकन केंद्र भी बोल रहे हैं, वहां पे आप भेजेंगे, और एक प्रति अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद में प्रपत्र 3, ये वो प्रपत्र है जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा पर घोषित नहीं किया जाना है, चाहे उनका नाम कटा हो, चाहे किसी की डेथ हो गई हो, ये प्रपत्र 3 प्रतियों में बनेगा, 2 प्रतियां आप मूल्यांकन केंद्र को भेजेंगे या परीक्षा केंद्र जिसको हम कह रहे हैं, और 1 प्रति आपके स्कूल में सुरक्षित रहेगी। KMU 6 ये 2 प्रतियों में तैयार होगा, इसमें उन टीचरों का विवरण होगा जिन्होंने ये परीक्षा पर तैयार किया होगा, और 1 प्रति जो है आपके स्कूल में रखी जाएगी, और 1 प्रति जो है आपके परीक्षा केंद्र में भेजेंगे। उसके बाद आपको एक नामावली हम यहाँ पे जो आपके यहाँ से एनरोल हुए साल 10वीं की परीक्षा के उनके नामावली आपको भेज रहे हैं, उस नामावली की भी एक प्रति आपके पास में होगी। तो जो प्रपत्र 2 है यानी प्राप्तांक सूची, प्रपत्र 3 प्राप्तांक सूची एक प्रति में, प्रपत्र 3 जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं होना है ये 2 प्रतियों में, और KMU 6S ये भी एक प्रति में इसको आपको परीक्षा केंद्र को उपलब्ध कराना है। तो ये तो आपके लगभग 10 की परीक्षा की बात हुई, अब ये क्लियर हो गया आप लोग, किसी को कोई क्वेरी इसमें? रतुल जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर ये जो प्रपत्र 3 में नाम आएंगे वो 2 में आएंगे कि नहीं? सर वो आएंगे वहाँ पे जो है आप लिख देंगे उनमें, उनके आगे दस 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 कर देंगे, उनके नंबर नहीं आएंगे, रोल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा 9 के नंबर तो आएंगे? कक्षा 9 के नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसका नाम पड़ गया कोई जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत करने की उसमें, क्यों फालतू क्या उसका रिजल्ट घोषित नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 श्रीवास्तव जी, थैंक यू। ओके एक्चुअली सर ये सब डेवलप करने हैं या इन्हीं की फोटो कॉपी करके मैं बढ़ा देना है? जैसे आपको उचित लगे वो आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप डेवलप करेंगे तो मतलब कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनना है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनमें नहीं जानी है, केवल सेम टू सेम जी तो यही रहने हैं। जी सर आगे बढ़ो सर। जी सर ये जो 9th का जो प्रैक्टिकल हमने किए थे मार्च अप्रैल में, उनका ओल्ड ब्लैंक वगैरह कुछ इश्यू नहीं हुआ सर अभी तक ना? समय आपको मिल जाएगा, वो भी इन्हीं के साथ में आप भेज देंगे, वो आ रहा है। ओके सर, ओके थैंक यू। जी जी मैम, जी मैम। हाँ मैं मेरे ख्याल से 12 की बात कर रहा हूँ, 12 में जो है 12 में थोड़ा सा और ज्यादा लंबा हो गया है, 12 में कक्षा 10 को भी बैठे जाए, 11 को भी बैठे जाए, 12 को भी बैठे जाए, जनरली आप सब लोगों ने देख लिया होगा 50% 40% और 10% का वेटेज है। तो जो सीधे सीधे इसमें भी जो 100 नंबर की जिनमें परीक्षा होती थी हमारी, उनमें तो 50-40-10 नंबर हो गए, जितनी हमारी सारी भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी से लेकर के जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में, प्लस इतिहास और शास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, तर्क शास्त्र, गणित, बिजनेस स्टडीज, इन सब में 100 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा होती है कक्षा 12 में।
तो इसका मतलब 50 नंबर इनके 10 से वेटेज 50 नंबर का वेटेज 10 को मिलेगा, 40 नंबर का वेटेज 11 को मिलेगा और 10 नंबर का वेटेज 12 को मिलेगा। उसके बाद में भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर, इनमें 70 नंबर की तो होती है लिखित परीक्षा सैद्धांतिक और 30 नंबर का प्रयोगात्मक होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा संपादित हो चुकी है, 70 नंबर की लिखित परीक्षा होनी थी, तो 70 में से वही 70 का अगर आप 50% करेंगे तो 35 नंबर हाईस्कूल के लिए, उसका 40% 28 नंबर जो है वो 11 के लिए और उसका 10% यानी 7 नंबर 12 के लिए। अब बात करें समाजशास्त्र अकाउंटेंसी, इनमें 80-80 नंबर की हमारी परीक्षा होती है, तो इसमें जो है 50% 40 नंबर कक्षा 10 के लिए, इसका जो है 40% कक्षा 11 यानी 32 नंबर कक्षा 11 के लिए और इसका 10% यानी 8 नंबर कक्षा 12 की परीक्षा के लिए होगा। संगीत और ड्राइंग पेंटिंग में जो है 30 नंबर की परीक्षा होती है, तो 30 का 75% अर्थात 15 नंबर जो है वो कक्षा 10 की परीक्षा से, 12 नंबर कक्षा 11 की परीक्षा से और 3 नंबर जो है कक्षा 12 की परीक्षा से आएंगे। का आवेदन कैसे करेंगे धीरे धीरे हाई स्कूल का आप लोगों को पता है कि परीक्षा फल हम जो दे रहे हैं वो जा रही है सर शर्मा जी। हाँ कक्षा 10 की जो हम परीक्षा आयोजित करते हैं उसमें इधर हमारे 6 विषय होते हैं लेकिन परीक्षा फल 5 विषयों पर घोषित किया जाता है, यानी कि उसमें एक अतिरिक्त विषय होता है, अतिरिक्त विषय का कोई वेटेज जो है उसकी डिवीजन में नहीं होता है। तो इसका मतलब जो ऊपर के 5 विषय हैं जिसमें उसकी डिवीजन फिक्स हुई है उन 5 में से जिन 3 विषयों में आप देख लीजिए जिन 3 में उसके सर्वश्रेष्ठ नंबर हैं, फर्ज कीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बच्चा है उसके हिंदी में 100 में से 92 नंबर है, अंग्रेजी में 100 में से 90 नंबर है, गणित में 100 में से 80 नंबर है, विज्ञान में 100 में से 80 नंबर है और सामाजिक विज्ञान में 100 में से 88 नंबर है, तो हम देखेंगे जब मार्कशीट इसमें लग रहा है कि हिंदी में सबसे ज्यादा उसके बाद अंग्रेजी में नंबर 2 और सामाजिक विज्ञान में नंबर 3, हिंदी में इसके 92 है, अंग्रेजी में 90 है और सामाजिक विज्ञान में इसके 88 है, तो इन तीनों का योग आपको करना है, तो इन तीनों का योग हो गया 92 धन 90 धन 88 = 270। क्लियर हो रहे हैं सर आप? अब इसको आपने इसको अधिभार, अब हमने इसका अधिभार देना है उसके इंटर के विषयों में। अब आप सब लोगों को पता है कि हिंदी में जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होती है और 100 नंबर में 50% वेटेज देना है, 50 नंबर का वेटेज देना है, तो सीधे सीधे हिंदी में जो वेटेज मिलेगा 270 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीपल 50, क्लियर है सर? इसका मतलब 45 नंबर, हिंदी में इसके 45 नंबर हो गए। उसके बाद अंग्रेजी में भी 270 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीपल 50, सीधे 45 नंबर हो गए। जीव विज्ञान में 270 भागा 300 मल्टीपल 35, क्योंकि यहाँ पे 70 नंबर की परीक्षा होती है, 70 नंबर का 50% हो गया 35, तो 270 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीपल 35 बराबर 31.50 का मतलब 32 नंबर। भौतिक विज्ञान में भी सेम है, 270 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीपल 35 31.50 बराबर 32 नंबर। रसायन विज्ञान में भी सेम है, यानी कि उसके प्राप्तांक तीनों विषयों के प्राप्तांक बटे 300 पूर्णांक हो गया मल्टीपल 35, जहां पे जो है 70 नंबर की परीक्षा होती है। समाजशास्त्र है जहां पे अगर 80 नंबर के होते तो मल्टीपल 40 हो जाएगा, क्लियर सर? उसके बाद में अब आते हैं 11 की परीक्षा को वेटेज, 11 की परीक्षा को सेम ऐसे ही वेटेज देना जैसे हमने 10 की परीक्षा में 9 को वेटेज दिया, केवल अंक थोड़े कम हो जा रहे हैं इसमें, वहां पे 75% था यहाँ पे 40% है। फर्ज कीजिए किसी बच्चे के हिंदी में 100 में से 70 नंबर थे 11 में, तो सीधे सीधे प्राप्तांक 70 डिवाइडेड बाय पूर्णांक 100 मल्टीपल 40, इधर है ना 40 नंबर हो गए ना, 40% 40 बराबर 28 नंबर। अंग्रेजी में भी सेम, अगर उसके 90 नंबर है तो 90 प्राप्तांक डिवाइडेड बाय पूर्णांक 100 मल्टीपल 40 36 नंबर। जीव विज्ञान में मैंने उसके 88 तो 88 पूर्णांक हो गया, सॉरी प्राप्तांक हो गया डिवाइडेड बाय पूर्णांक 100 मल्टीपल 32। अब यहां पे जो आप उसका 40% 32 हो रहा होगा तो 32 तो बराबर 28.16 यानी 29 नंबर। भौतिक विज्ञान में भी माना 80 नंबर है तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 32। रसायन विज्ञान में भी अगर उसके 85 नंबर है तो 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 32 बराबर 27.20 मतलब 28। क्लियर सर? जो वेटेज है, वेटेज जो अंक है उसके लिए मल्टीपल उनसे होना है अंक। अगर अंक जैसे हम ड्राइंग और पेंटिंग में 12 अंक है तो जो उसके माना कि ड्राइंग और पेंटिंग में किसी बच्चे के 100 में से 85 नंबर थे 11 में तो 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 12 हो जाएगा। ठीक है सर, समाजशास्त्र में जैसे है ये, समाजशास्त्र में जी रतुल जी आवाज आ रही है। अच्छा ओके सर, ओके। समाजशास्त्र में 32 हो जाएगा, बाकी में सॉरी जीव विज्ञान वगैरह में 28 होगा सर, 28 का वेटेज है ना वहाँ पे, 28 नंबर का वेटेज है तो 28 नंबर आएंगे वहाँ पे। मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा 88 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 28 जहाँ पे जो है 70 नंबर की परीक्षा होती है, जहाँ पे जो है 80 नंबर की परीक्षा होती है वहाँ पे डिवाइडेड बाय 32, जहाँ पे 30 नंबर की परीक्षा होती है जैसे म्यूजिक वगैरह है तो वहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। क्लियर सर? उसके बाद में 12 की परीक्षा, 12 की परीक्षा में भी सेम वही पैटर्न अपनाया जाना है जो 10वीं की परीक्षा में हमने अपनाया है। उसमें भी आपको ये देखना है कि मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, जिसमें भी बच्चे के सबसे बेहतर प्रदर्शन है उसको अधिभार आपको दे देना है। अब माना किसी बच्चे का हिंदी में प्री बोर्ड में 80 नंबर थे तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 10 नंबर का था। ऐसे अंग्रेजी में अगर माना उसकी मासिक परीक्षा में 9 नंबर थे 10 में से
और वो बेस्ट परीक्षा है तो 9 / 10 × 10 9 नंबर उसके हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा एक वो है कि यहाँ पे जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, मतलब 100 नंबर की परीक्षाएं जिन विषय में है 12 के अंक केवल उन्हीं विषय में कैलकुलेट होने हैं, शेष जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं जिन विषय में आयोजित होती हैं वहां पे आपको कक्षा 12 के नंबर कैलकुलेट नहीं करने हैं, वो बोर्ड स्तर पे उनके कैलकुलेट हो जाएंगे उनके प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। फर्ज कीजिए कोई बच्चा फिजिक्स में उसने प्रैक्टिकल जैसा 30 नंबर का होता है, तो 30 नंबर में से उस बच्चे के 25 नंबर आए, बाय द वे 25 नंबर उस बच्चे के मिले हैं, तो हम उसको यहाँ पे जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे 25 / 30 × 7 7 नंबर उसको यहाँ से मिल जाएंगे जो भी स्थिति होगी। अगर उसके फिजिक्स में 30 में से 30 है तो 30 × 30 × 7 सीधे 7 नंबर उसको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिनमें भूगोल हो गया, गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, सैन्य विज्ञान हो गया, भूगोल विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ये संगीत हो गया, ड्राइंग पेंटिंग हो गया, इन सब में आपको 12 के अंकों का वेटेज जो है स्कूल लेवल पे नीट भरना है, ये जो है सीधे बोर्ड पे उनके प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर हम बोर्ड लेवल पे कर लेंगे। ये क्लियर हो गया सर आप लोग, कोई कंफ्यूजन इसमें? जी सर, मेरी एक क्वेरी है रतुड़ी सर। जी बोलिए मैम। ये सर जैसे जो है 17 नंबर का होना है ना, तो जो प्रपत्र जो है बोर्ड के द्वारा दिया गया है 70 मार्क्स के लिए, जिनमें 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होना है, अगर हम 50% 40% और 10% के रेशो में देखें तो हमारे पास 70 मार्क्स का 35 मार्क्स होता है, 40% उसका 40% जो है 28 मार्क्स होता है। जी, बिल्कुल। तो 70 में से जो विद्यालय स्तर पर काउंट करने हैं मार्किंग के लिए वो है हमारे पास 35 नंबर मैक्सिमम 35 नंबर और 28 नंबर और जी। जो अगर हाँ, और फिर जो 30 नंबर होंगे वो बोर्ड जो है अपने हिसाब से देगा, बोर्ड अपने हिसाब से नहीं, बच्चे ने बोर्ड बच्चे के एग्जाम हो गए। हाँ सर, जो उसने प्रैक्टिकल में किया है उसके आधार पर देंगे, लेकिन सर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें हमारे 7 नंबर कहीं छूट रहे हैं। मैम आप देखिए, आपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिजिक्स की बात कर रहे हैं, 35 नंबर तो सर सुन लीजिए सर, 35 नंबर तो आप उसको जो है कक्षा 10 से दे देंगे, 28 नंबर आप कक्षा 11 से देंगे, उसके बाद बचे 7 नंबर, तो 7 नंबर हम उसको बोर्ड में देंगे, बाई चांस उसके फिजिक्स प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर है तो हम करेंगे उसको 30 × 30 × 7 7 नंबर और मिलेंगे उसको, यहाँ से मिल जाएंगे वो। अगर उसके प्रयोगात्मक परीक्षा में 25 नंबर तो वो तो ठीक है ना सर, लेकिन फिर भी काउंट तो उसका जो है 70 ही हो रहा है, उसको 100% फिजिक्स का जो पेपर होता है टोटल मार्क्स वो तो जो है 100 मार्क्स का होता है। जी जी मैम, जी मैम मांगे जी, तो फिर भी जो है 30 नंबर तो फिर उसके छूट ही रहे हैं, या 30 नंबर नहीं 7 नंबर में से उसको अंक हम देंगे, जो 7 नंबर छूट रहे हैं 63 नंबर आपने स्कूल में दे दिए, 7 नंबर में से नंबर हम उसको देंगे और हम उसको नंबर देंगे उसके प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका ठीक समझ। थैंक यू सर जी। आप कोई बीच में बोल रहे थे सर, बताइए। हाँ मैं पंकज शर्मा बोल रहा हूँ। जी थोड़ा मैं बोलिए समझ जी। नहीं मैं थोड़ा ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई लोग मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं, शायद हाई स्कूल वाले मीटिंग छोड़ रहे हैं लेकिन वो मीटिंग में बने रहे हैं, अभी हाई स्कूल वाले भी अभी मीटिंग में बने रहे, वो मीटिंग को छोड़ के न जाए। हाँ थोड़ा सा भी परीक्षा केंद्र हो सकता है कोई हाई स्कूल, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम केवल स्कूल लेवल की बात करें, परीक्षा केंद्र पे क्या होना वो भी बात हो जाएगी। तो सर ये क्लियर हो गया आप, ये जो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को जो मैंने अब तक बताया है? प्रयोगात्मक परीक्षा जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो जिन विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा होती है उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा हो गई है, बाई चांस कोई बच्चा छूटा होगा तो उसके लिए आपके मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्गत हो चुके हैं परिषद से, उन्होंने परीक्षकों की तैनाती कर ली होगी और वो परीक्षक जो है वो बच्चों की परीक्षा ले लेंगे, वो उनकी भी परीक्षा होनी है। जो प्राइवेट वाले होंगे उनके मामले में भी सेम वही प्रोसेस होनी है कि 10 और 11 के अंक तो उनके वो सेम ऐसे ही आएंगे, 12 के अंक के लिए उनके लिए जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उन विषयों में उतने अंकों की परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी, और जिन विषयों में प्रैक्टिकल है उनके लिए वेटेड सेम और बच्चों की तरह उनको मिल जाएगा जैसे हमारे रेगुलर बच्चों को मिल रहा है। अब इसमें भी जो प्रपत्र आएंगे सेम वही प्रपत्र है, इसमें भी प्रपत्र 1 प्राप्तांक विवरण, प्रपत्र 2 प्राप्तांक सूची, प्रपत्र 3 जिन बच्चों का परीक्षा पर घोषित नहीं किया जाना है, के मुआ 6 है, परीक्षा हेतु विद्यालय के पंजीकृत छात्रों की नामावली। कक्षा 12 में कोई कृषि वाला स्कूल तो नहीं है क्या इस समय जुड़ा हुआ? कृषि वर्ग है जहाँ चलता हो, कृषि वर्ग मैं जो ये बात कर रहा हूँ, वाणिज्य मानविकी और वैज्ञानिक वर्ग विज्ञान वर्ग, तीन वर्गों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कृषि वर्ग है उसकी प्रोसेस ही अलग है, फिर कोई कृषि वर्ग वाले स्कूल तो नहीं चल रहा है क्या हमारे साथ? शर्मा जी हेलो, आपके यहाँ कोई कृषि वर्ग वाला स्कूल तो नहीं है क्या? कृषि वर्ग चलता होगा कृषि हमारे यहाँ? हाँ मैम नेगी पूछा, नेगी मैम वहाँ कालसी में नहीं हमारे यहाँ। ठीक है मैम, फिर हम उसको स्किप कर रहे हैं, उसके बाद जरूरत नहीं है, वहां पे भी जो है काफी लंबी प्रोसेस है तो उसको हम छोड़ रहे हैं। तो ये प्रपत्र जो है सेम वही होना है, वही प्रपत्र 2, 3 और जो
के मुहा छह है या फिर वही परीक्षा केंद्र पे जाएगा और वहां पे जो है आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ से भी आपको इसमें भी केवल नामावली मिलेगी, बाकी सारी चीजें आपको स्कूल लेवल पे कंप्लीट करनी है। अब ये सब चीजें जब आप जो है 13 तारीख तक पूरी करके अपने परीक्षा केंद्र को दे देंगे, जो आपके स्कूल का परीक्षा केंद्र था या कई स्कूल स्वयं भी परीक्षा केंद्र होंगे, अब दूसरे चरण में वहां पे काम होना है। तो जो परीक्षा केंद्र हमारा होगा वहां पे भी जो है कमेटी गठित होनी है, उसमें उस स्कूल के प्रधानाचार्य उसके अध्यक्ष होंगे, परीक्षा प्रभारी सदस्य होंगे और एक पर्यवेक्षक सीओ द्वारा नामित होंगे, वो जो है परीक्षा की भूमिका पे वहां होंगे, 3 लोगों की कमेटी होगी। तो वहां पे हम जो उपलब्ध कराएंगे वो हमारे वार्ड ब्लैंक जो आते थे, आप लोगों को पता होगा वो हमारे सीटें हैं, वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वो हमारे ब्लैंक जो होंगे उनको परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन केंद्र जो प्राप्तांक सूची स्कूल से प्राप्त होगी, अब ये परीक्षा केंद्रों के लिए है, स्कूल से प्राप्तांक सूची आ गई, अब उन प्राप्तांक सूची में जो बच्चे के अंक है वो ट्रांसफर अवार्ड ब्लैंक में होंगे। तो इसके लिए जो परीक्षा केंद्र हमारे, इसमें भी कई परीक्षा केंद्र होंगे, तो परीक्षा केंद्र के जो प्रधानाचार्य हैं वो कम से कम 2 टीचरों की व्यवस्था करेंगे, एक टीचर उनकी अंकना करेगा और दूसरी टीचर जो है वो उसकी जांच करेगा। उसके बाद में जो हमारे अवार्ड ब्लैंक होंगे उनमें खाने बने होंगे, जैसा उसमें लिखा हुआ परीक्षा संख्या एवं हस्ताक्षर, तो उस कॉलम में जो अंकन करेगा, जो मतलब इन नंबरों को चढ़ाएगा, उस टीचर के हस्ताक्षर होंगे, अंकेशक संख्या एवं हस्ताक्षर उसमें लिखा होगा कहीं पे, तो वहां पे एक कॉलम में जांचकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और उन प्रधान परीक्षक संख्या एवं हस्ताक्षर वाले कॉलम में परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में जब वो हमारा अवार्ड ब्लैंक तैयार हो जाएंगे तो इनकी काउंटर फाइल अलग कर ली जाएगी और जो मेन फाइल है वो लिफाफा संख्या 1, जो काउंटर फाइल होगी वो लिफाफा संख्या 2 में रखी जाएगी। उसके बाद में दूसरा प्रपत्र वहां पे यूज हो रहा होगा, होगा CC16। ये CC16 हमारे वेबसाइट पे अपलोड है, हमने आपको दे भी रखा है। इस CC16 में हम उनकी अंकना करते हैं जिन बच्चों का जो है वो हमारे अवार्ड ब्लैंक में रोल नंबर नहीं होता है, या किसी का पता लगा कि गलती क्या था उसका नंबर गणित वाले अवार्ड ब्लैंक में आ गया, तो अगर आप गणित में उसके नंबर चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गणित में उसके नंबर नहीं चढ़ेंगे, वहां पे मार्क मिसिंग करके आ जाएगा और सीधे उसके लिए गृह विज्ञान में CC भरी जाएगी, हर विषय के लिए अलग अलग CC भरी जाएगी। लेकिन एक विषय में अगर 6 बच्चे हैं गृह विज्ञान में 6 तो एक ही CC से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा कि गृह विज्ञान में 1 है गणित में 1 है तो एक ही CC नहीं भरी जाएगी, गणित की अलग CC होगी, गृह विज्ञान की अलग CC भरी जाएगी। तो ये CC का प्रारूप भी हमने आपको दे रखा है, ये आप वहां से डाउनलोड करके इसका यूज कर लेंगे। ये वहां 6 वहां पे है, ये प्रपत्र भी 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, एक प्रति जो है आप परिषद को भेजेंगे लिफाफा संख्या 2 में और एक प्रति जो है आप अपने केंद्र में सुरक्षित रहेंगे। CC16 भी 2 प्रतियों में तैयार होगा, CC16 भी जो है आप एक प्रति प्रथम प्रति प्रथम लिफाफे में रखेंगे और द्वितीय प्रति द्वितीय लिफाफे में रखेंगे, केंद्र पे कुछ नहीं रहेगा। KMUH 15 भी 3 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, प्रथम और द्वितीय प्रति लिफाफा संख्या 2 में रहेगी और तीसरी प्रति जो है केंद्र में रहेगी। उसके बाद लिफाफा संख्या 1 के बाहर क्या सूचना अंकित होगी, ये 2 प्रति एक प्रपत्र है, 2 प्रतियों में बनाया जाएगा, एक उस लिफाफे के बाहर चस्पा कर लिया जाएगा और एक उस लिफाफे के अंदर रख देंगे। लिफाफा संख्या 2 वो बाह्य आवरण होगा, उसमें भी लिफाफा संख्या 2 का बाह्य आवरण है, ये भी 2 प्रतियों में तैयार होगा, एक आप लिफाफा संख्या 2 के अंदर डाल देंगे और एक आप उसके बाहर चस्पा कर देंगे। इसके अलावा आपको परीक्षा है तो परीक्षा केंद्र में पंजीकृत छात्रों की नामावली ये यहां से मिल जाएगी, ताकि आप ये सुनिश्चित कर लें कि कौन कौन बच्चे आपके यहां से परीक्षा में बैठे थे। तो ये आपको यहां से केवल 2 चीज मिलेगी, वो हमारे अवार्ड ब्लैंक और परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत छात्रों की नामावली, बाकी आपको अपने स्तर से वहीं पर डेवलप करना है। अब जब आप ये सब काम कर लेंगे अपने यहां पे, तो आप 2 पैकेट बनाएंगे, 2 लिफाफे बनाएंगे या पैकेट बनाएंगे। लिफाफा संख्या 1 में तो आएंगे वो हमारे अवार्ड ब्लैंक के मूल मूल और CC16 की मूल प्रति और प्रपत्र 3 जो स्कूलों से आया है, प्रपत्र 3 में था जिन बच्चों का परीक्षा पर घोषित नहीं होना है, और लिफाफा संख्या 1 का बाह्य आवरण, ये 4 चीजें जो है पैकेट संख्या 1 में रखी जाएगी, हाई स्कूल की अलग इंटर की अलग। उसके बाद जो लिफाफा संख्या 2 होगा उसमें से सारी सामग्री जिसमें विद्यालय से जो प्राप्तांक सूची आई है, वो हमारा अवार्ड ब्लैंक का जो प्रतिपण है, CC16 की सेकंड कॉपी है, KMUH 6 है, प्रपत्र 3 2 प्रतियों में स्कूल से आया होगा, तो एक प्रति लिफाफा 1 में होगा, एक लिफाफा 2 में डाली जाएगी। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा पर घोषित नहीं किया जाना है, KMUH 6 EC, KMUH 15 की प्रथम एवं द्वितीय प्रति और लिफाफा संख्या 2 का बाह्य आवरण आप उसके अंदर डाल देंगे और एक बाहर आप चिपका देंगे, तो ये जो है लिफाफा संख्या 2 में हाई स्कूल का तैयार होगा, इंटर का तैयार होगा, और ये तैयार करके 17 जुलाई तक आपको जहां आपके परीक्षा केंद्र की कॉपियां जमा होती थी, जिस संकलन केंद्र या उप संकलन में, वहां आपको इसको जमा कर देना है। उसके बाद का काम वो उस संकलन और उप संकलन केंद्र का होगा। उसके बाद वो 18 जुलाई तक मुख्य में भेजेंगे और मुख्य संकलन जो है 20 तारीख तक हमारे यहाँ पे। आपको जो आप अगर जियो पढ़ रहे होंगे तो इसमें जो है दूरी को अनिवार्य कर दिया गया है, अगर आप जियो पढ़ लीजिए, हमारे जियो साहिबान और सीओ साहब को भी हमने बता दिए हैं, इसमें जो जियो का जो संलग्नक है उसमें साफ साफ लिखा है कि 14 बिंदु है, वर्तमान स्थिति में उक्त समस्त कार्य अर्थात मूल्यांकन परीक्षा एवं परीक्षा पर निर्माण कार्य अपरिहार्य स्थिति के रूप में माना जाएगा, अथवा जिन कार्यक्रमों की तैनाती कार्यों के संपादन की जाएगी उन्हें अनिवार्यता आवंटित कार्यों का संपादन निर्दिष्ट अवधि में के अंतर्गत पूर्ण करना होगा। इसका मतलब जिस टीचर को आप ड्यूटी लगाएंगे तो परीक्षा पर स्केप बनाने के लिए उसको स्कूल में आना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया थी मुख्य रूप से। एक बात मेरे को जरूर कहनी है कि जो भी आप प्रक्रिया आपके स्कूल लेवल पे हो उसमें पूरा पारदर्शी हो, उसके पूरे रिकॉर्ड आप सुरक्षित रखेंगे,
कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिकॉर्ड जो है वो बाद में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूचना अधिकार लगते थे, पिछली बार तक सूचना हम देते थे, इस बार अगर कोई सूचना अधिकार लगता है कि किसी का आकलन कैसे हुआ तो वो सब की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य की होगी। और जैसे शर्मा जी ने आपने आपको बता ही दिया कि लगभग लगभग आपको पता लग जाएगा जब आप परीक्षाफल बना रहे हैं कि इस बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आ रही, किसकी सेकंड आ रही, किसकी थर्ड आ रही, इसका मतलब परीक्षाफल पूरा आपके सामने है, जो हमारे विद्यालय लेवल की कमेटी है उसके भी सामने है, जो हमारी केंद्र लेवल की कमेटी है उसके भी सामने है। लेकिन जब तक ये परीक्षाफल बोर्ड से घोषित नहीं होता है किसी भी दशा में आपको इसको साफ प्रकटीकरण नहीं करना है, तो बिल्कुल ये गोपनीय तब तक रहेगा जब तक ये परीक्षाफल घोषित बोर्ड स्तर से नहीं हो जाता है। तो मेरी बात तो लगभग लगभग यहाँ पे समाप्त हो गई है, अगर आपकी कोई बात हो, कोई क्वेरी हो तो स्वागत है, ये तो मेरी ओर से नमस्कार। जी जी सर, तो जी सर किसी की कोई क्वेरी? सर मैं बोल रहा हूँ, सर बोल रहा हूँ सर। जी सर, सर सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो अवार्ड रैंक और जो मेटेरियल बोर्ड ने हमें देना, सर ये हमें कहाँ से रैंक करना होगा, ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट? आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ रैंक आपको दो तीन चार दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे, जो अवार्ड रैंक है हाई स्कूल के दसवीं के भी जो आंतरिक मूल्यांकन के वो भी अवार्ड वो भी मार्क, और ये जो हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के होंगे ये आपके पास दो तीन दिन के अंदर, मतलब इसी हफ्ते के अंदर तक आपके पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद देंगे मैडम, आप लोगों ने मेरे को अवसर दिया, धन्यवाद सभी संस्थाध्यक्ष, आप लोगों ने इतने धैर्य से और पेशेंस से मेरे को सुना, कोई अगर त्रुटि कहीं पे हुई हो, कोई आपको किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा याचना के साथ धन्यवाद सर। नहीं सर, थैंक यू, बहुत अच्छे ढंग से समझाया जी, दतूड़ी जी का धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और हमारी शंकाओं का समाधान किया, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसी भी समय आप फोन पे फोन कर सकते हैं, उसमें हमारा फोन नंबर है मेरा, तो किसी भी समय सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कोई भी किसी भी समय फोन नंबर दे दीजिए प्लीज। मैं नोट सूची में 7579 नोट कर लीजिए, 7579 7579246923 246923 एक बार फिर दे दीजिए 7579246923 थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। फिर जी आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, अच्छे सुझाव दिए, आपका अपना धन्यवाद, अभी बने रहेंगे लोग। मैं हमारा जो कैंट का स्कूल है खंडू जी मैडम, आपका जो प्रश्न अभी अधूरा रह गया है उसका जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपका जो अभी प्रश्न अधूरा रह गया है उसमें हमारा आपसे ये कहना है कि वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति उस सब्जेक्ट को देख रहा है विद्यालय में वही उस समिति में सदस्य के रूप में रखा जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ जी, दूसरा इसमें आरटीआई लगेगी, जब रिजल्ट ओपन हो जाएगा तो इसमें आरटीआई लगेगी, आरटीआई का जवाब संबंधित विद्यालय को ही देना है, इसलिए सारे रिकॉर्ड आप भली भांति संभाल कर रखेंगे अपने पास, प्रिंसिपल यह सुनिश्चित कर ले कि उसके पास जितना भी रिकॉर्ड है वो सुरक्षित है, क्योंकि आरटीआई का जवाब आपके द्वारा ही दिया जाना है। अब मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान में जो आपको शासनादेश मिला है, फॉर्मेट मिले हैं, उनका भली भांति कल ही सभी कर्मचारी, प्रधानाचार्य, अध्यापक बैठ कर एक बार वाचन कर लें और कल से ही काम शुरू कर दें। ये स्पष्ट हो गया है कि जो शासनादेश में बताया गया है कोविड का जो प्रोटोकॉल निकला था कि 50% उपस्थिति के साथ कार्यालयों में उपस्थिति रहेगी, वह यहाँ पर लागू नहीं होगा, सभी अध्यापक, कर्मचारी, प्रधानाचार्य विद्यालय में रिजल्ट तैयार करने के लिए उपस्थित होंगे, कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरा बच्चा 10 साल से छोटा है, मेरी उम्र 55 साल से अधिक है, मेरा कहीं इलाज चल रहा है, इस प्रकार की बाध्यताएं नहीं होंगी और उनको विद्यालय में आकर रिजल्ट तैयार करना होगा। फॉर्मेट निर्देश आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको मेल के द्वारा भी सारे डायरेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, इसलिए आप अपनी मेल को चेक करके सारे फॉर्मेट निर्देशों को निकाल लीजिए, प्रिंटआउट निकाल लीजिए और कल से ही काम पर लग जाइए। हम लगातार विद्यालयों से बात करते रहेंगे, हम जानकारी लेते रहेंगे कि आपका काम किस स्तर तक पहुंचा है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके माध्यम से नहीं बरती जानी चाहिए। एक सुझाव मेरा आपको और भी है कि रिजल्ट जो होगा वो शुद्ध और साफ लेखनी में तैयार करें और पंजिकाओं में तैयार करें,
पंजिकाएं सुरक्षित रखें, ऐसा ना हो कि आपने फॉर्मेट जो आपको मिले हैं सॉफ्ट कॉपी में उसमें आपने डाटा भरा और उनका प्रिंट आउट निकालकर आपने उसी को चस्पा कर दिया। ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आप प्रिंट आउट लेते हैं उसकी जो स्याही होती है उसकी एक अवधि होती है, निश्चित अवधि, उस समय के बाद वो खींचने के बाद या अन्य कारणों से मिट जाता है, तो वो हमेशा के लिए आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए आप हॉल पैड से रजिस्टर में रिजल्ट तैयार कराएंगे, ओएमआर पत्रक भी साफ साफ रहेगा, रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया है कि दो प्रतियों में भरा जाना है, एक आपके पास और एक आपके एग्जाम सेंटर में कॉपी चली जाएगी। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पत्रक तैयार किए जाने हैं, ऐसा ना हो कि एक आप एक ही फॉर्मेट पे सारे विषय के रिजल्ट को तैयार करना शुरू कर दें। 13 तारीख देख लीजिए, 13 तारीख लास्ट डेट है, ये टाइम बाउंड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। पंजीकरण में ओएमआर शीट आ रही है, आपको फिर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध करा दी जाएंगी, इसलिए अब आपका ये अब आपके स्तर से काम शुरू हो चुका है। तो प्रधानाचार्य और सारे अध्यापक अब आप अलर्ट मोड में आ जाइए, विद्यालय में बने रहिए, कल से काम शुरू कर दीजिए। मेरी बात यही पूरी होती है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अब हमारे बीच में खंड शिक्षा अधिकारी कालसी पूजा नेगी दानू मैडम भी है, अगर कुछ डायरेक्शन कुछ निर्देश कुछ बात को कहना चाहती है तो उनका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने सब बातें कवर कर ली है, तो मुझे ऐसा विशेष नहीं कहना, लेकिन जितने भी मेरे प्रिंसिपल्स और हेड जुड़े हैं तो चाहूंगी कि इस तरह से और लास्ट में कोई हॉचपॉच की स्थिति ना आए, इसलिए समय से आपके काम को प्रारंभ करना शुरू कर दें। और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और रतुड़ी सर ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, उनका भी इस मंच के माध्यम से उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद। ठीक है, इस बैठक को समाप्त करते हैं, सभी का धन्यवाद।